जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। यह सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर वर्णन है। प्रौण इसकी शैली है और इसमें द्वादशांग का बिल्कुल सार भरा हुआ है, हम सबको पढ़ना चाहिए। हम द्वितीय अध्याय में पढ़ रहे थे जीव के असाधारण भाव, उपयोग, लक्षण एवं संसार अवस्था में उसकी इंद्रियां, शरीर आदि के बारे में। कल अपन ने देखा था तेजस शरीर के बारे में कि तेजस शरीर सामान्य भी होता है और विशेष रिद्धिधारी मुनिराज को भी होता है, और वह तेजस जो शरीर है मुनिराज के किस प्रसंग में निकलता है, तो एक करुणा के प्रसंग में और एक क्रोध के प्रसंग में। मुनिराज को जब एक असीम करुणा जीवों के प्रति होती है तो वह तेजस शरीर शुभ कार्य हेतु निकलता है और जितनी दूर वो जा सकता है वहाँ तक वह सभी जगह सुभिक्ष हो जाता है, निरोगी हो जाते हैं, महामारी दूर हो जाती है और सभी जगह सुख शांति और समृद्धि का वातावरण, आनंद का वातावरण हो जाता है। ऐसे मुनिराज की करुणा होती है, देखिए कितनी करुणा मुनिराज के अंदर होती है। और एक क्रोध के प्रसंग में निकलता है तो इससे अशुभ कार्य होते हैं और वह हम स्वयं को भी नुकसानदायक होता है, पर को भी होता है। महानुभाव, इसका अर्थ ये मत ले लेना कि मुनिराज हमेशा क्रोध ही करते रहेंगे और हमारा बिगाड़ हो जाएगा, तो आप डर के मारे मुनिराज के पास ना जाओ, मुनिराज से बात ना करो, उनसे तत्व चर्चा ना करो। आपके मन में शंका पैदा हो जाए कहीं महाराज जी गुस्सा हो गए, कहीं नाराज हो गए, तो कोई अशुभ तेजस शरीर ना निकल जाए और हमारा नुकसान ना पहुँचा दें। पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पंचम काल में यह शरीर होता ही नहीं है। चतुर्थ काल के मुनिराज को तप रिद्धि विशेष से यह प्रकट होता है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, चौथे काल में तुम जन्म लो तब भी डर जाओ तो डरने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी मुनिराज को ऐसा निकलता नहीं। वो तो बहुत एक आध दो ऐसे कारण मिल सकते हैं, ऐसा आगम में व्यवस्था बताई गई है, लेकिन हर किसी को निकलता हो ऐसा कोई ज़रूरी भी बिल्कुल नहीं है। मुनिराज शांत स्वभावी होते हैं, वीतराग स्वभावी होते हैं, उनको ऐसा क्रोध के अनेक प्रसंग मिलने पर भी क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी की होनहार ही ऐसी लिखी हो, किसी का निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा बन गया हो कि उनके निमित्त से किसी का नुकसान पहुंचना है, तो वो पहुंचकर ही रहता है। जैसे केवल ज्ञान में दिखा या भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, उनके अनुसार अर्थात उनके ज्ञान में जो दिखा, उनने जो बताया, वो कभी झूठ नहीं होता है। इस प्रकार से जैसे दीपायन मुनिराज के द्वारा द्वारका का जलने का निमित्त था, ऐसा प्रसंग कभी कभी आता है, शास्त्र में वर्णन भी हमको प्राप्त होता है। लेकिन इस डर के मारे आप कहीं मुनिराज से बोलना, मुनिराज के पास आना जाना बंद करें, ऐसा कभी भी कदापि नहीं करना, क्योंकि हमारे मुनिराज जो हैं ऐसे कषायवान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, करुणाशील होते हैं, सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। आप देखिए हमारे मुनिराज ने लाखों ग्रंथ लिखे, किसके लिए लिखे? वो तो अपना आत्म कल्याण करना चाहते तो ध्यान करते जंगलों में रह करके, क्यों जंगल में बैठ करके ठंडी गर्मी बरसात सहन करके वहाँ पर हमारे लिए शास्त्र लिख रहे हैं, भगवान की वाणी को लिख रहे हैं, ताड़ पत्रों में कांटे से लिख रहे हैं। कितनी मेहनत, कितना कष्ट लगता है जब जाके कोई शास्त्र लिख पाते हैं। तो ऐसे बीहड़ जंगलों में बैठकर के भी मुनिराज शहरों में रहने वाले लोगों की चिंताएं कर रहे हैं, ये करुणा ही तो है कि नहीं कहीं इनका अकल्याण ना हो जाए, कहीं इन तक भगवान महावीर की वाणी ना पहुंच पाए, तो इसलिए वो वहां पर ग्रंथ लिख रहे हैं।
हमारे लिए ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। उमा स्वामी ने कितना कृपा की हमारे लिए, देखिए 10 अध्याय जो बहुत छोटा सा ग्रंथ है, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, और उनमें इतना गुण भर दिया कि हम भगवान महावीर की समस्त वाणी को जान सकें, वाणी को समझ सकें। ये महान उपकार किया है, ये करुणा है। तो मुनिराज हमेशा करुणावान ही होते हैं, कभी कभार किसी प्रसंग में ऐसा दिखता है तो उसको अपवाद मार्ग रखना, लेकिन आगम में ऐसा है तो है। अशुभ तेजस शरीर निकलता है तो निकलता भी है। अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, कभी भी ऐसे साधक, ऐसे बाधक मत बनो कि मुनिराज को क्रोध आए, मुनिराज की साधना में विघ्न बने। हम सावधान रहें और मुनिराज की साधना में साधक बने। क्या बने? साधक बने। हम उनको राग द्वेष की बात ना करें, यहाँ वहाँ की बातें ना बोलें, और उनके लिए हम साधक बन करके उनकी साधना में बाधक ना बने, उन्हें क्रोध आदि का प्रसंग दिलाने का कार्य ही ना करें। ये भी हमारी वैया वृत्ति है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर अशुभ तेजस और शुभ तेजस के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। अब अपन यहाँ पर जो एक अहारक शरीर रह गया था, उस अहारक शरीर किसको होता है, किनको होता है, तो उसके लिए उस सूत्र की अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। अपन लोग सबसे पहले सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। आप सब लोग पुस्तक में यह सूत्र निकाल लीजिए और एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। सूत्र नंबर 49वां, शुभम शुभम विशुद्ध विशुद्ध मभ्याघाति मभ्याघाति चाहारकम चाहारकम प्रमत्त प्रमत्त संयतस्यैव संयतस्यैव। शुभम शुभम विशुद्ध विशुद्ध मभ्याघाति मभ्याघाति चाहारकम चाहारकम प्रमत्त प्रमत्त संयतस्यैव संयतस्यैव। इस प्रकार से अपन सब ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करते हुए सूत्र को समझते हैं। दूसरे अध्याय का यह 49वां नंबर सूत्र है। देखिए क्या लिखा है, शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव प्रमत्त संयतस्यैव। इस प्रकार से उच्चारण करना, ठीक है ना। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए अपन इसको करते लिखते हैं अलग से, शुभम, ठीक है, विशुद्धम, ये मातक लाइए, फिर संधि निकल जाएगी, उससे निकलेगा अव्याघाति। क्या निकलेगा? विशुद्धम अव्याघाति। फिर निकलेगा च आहारकम, च आहारकम। फिर निकलेगा प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयतस्य। ये षष्ठी का वचन लेना है। क्या लेना है? आपने पढ़ा होगा रामस्य बालकस्य, षष्ठी का एक वचन, ऐसे ही प्रमत्त संयतस्य। प्रमत्त संयत है शब्द, उसका रूप चला तो शश प्रत्यय लग गया, तो प्रमत्त संयतस्य बन गया, प्लस एव, प्लस एव। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, शुभम पहला, विशुद्धम दूसरा, अव्याघाती तीसरा। पहला कौन? शुभम, दूसरा विशुद्धम, तीसरा अव्याघाती। मतलब शुभ है, विशुद्ध है और अव्याघाती। यह आहारकम, यह आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर कैसा होता है? 3 लक्षण वाला होता है। एक तो शुभ होता है, दूसरा विशुद्ध होता है और तीसरा अव्याघाती होता है। घबराना बिल्कुल नहीं। अब अपन शुभ के बारे में भी और विशुद्ध के बारे में भी और अव्याघाती के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी अपन सूत्र का अर्थ निकाल रहे हैं। उस सूत्र के अर्थ में देखिए, आहारक शरीर कैसा होता है? शुभ होता है, विशुद्ध होता है और अव्याघाती वाला होता है, ठीक है ना। और किसको होता है इस सूत्र में? आहारक शरीर कैसा है और किसको होता है, 2 क्वेश्चन है। कैसा होता है तो 3 प्रकार से बता दिया, किसको होता है तो नेक्स्ट लिखा है प्रमत्त संयतस्य अव। अव जो होता है ये निश्चयवाचक होता है। अव क्या होता है? ही, इनको ही,
तो प्रमत्त संयत, जो प्रमत्त संयत मुनिराज हैं, छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं। मुनिराज एक होते हैं प्रमत्त और एक होते हैं अप्रमत्त। प्रमत्त मतलब जिस समय उनकी अपने 28 गुण पालन करने की जिस समय उनकी इच्छा होती है उस समय वो प्रमत्त संयत होते हैं। मुझे सामायिक का टाइम हो गया, अब मुझे कायस्थ करना है, मुझे ईर्य समिति का पालन करना है, शोधन करके आहार करना है, एक खड़े होकर आहार करना है, केश लॉन्च करना है, जो विकल्प आत्मक जितनी भी उनकी क्रियाएँ होती हैं उन मुनिराज को बोलते हैं प्रमत्त संयत। क्या बोलते हैं? प्रमत्त संयत। संयत मतलब संयम, प्रमाद सहित संयम। अर्थ क्या हुआ? जिसमें प्रमाद पाया जा रहा है। प्रमाद क्यों, क्या किस प्रकार का पाया जा रहा है? हम जैसे प्रमाद नहीं पाया जा रहा है, प्रमाद है पर हम जैसे नहीं है। प्रमाद कैसा है? अपने ही क्रियाओं को, धर्म को पालन करने का जो जिनके अंदर विचार आ रहा है उस प्रकार का प्रमाद। अप्रमत्त संयत होते हैं जिनको ध्यानस्थ रहते हैं और उनको इस प्रकार का विकल्प नहीं आता है। वो निर्विकल्प जो संयम का पालन होता है वो अप्रमत्त संयत होता है, जो सविकल्प रूप से पालन होता है वो प्रमत्त संयत होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो प्रमत्त संयत अर्थात छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उनको ही यहाँ जोर लगाइए, ए में जोर लगाइए, उनको ही होता है और किसी को नहीं होता है। मतलब अप्रमत्त वालों को प्रकट तो हो जाता है लेकिन उपयोग नहीं होता, लब्धि में रहता है। अप्रमत्त वाले के पास यह आहारक शरीर प्रकट तो हो जाएगा पर लब्धि में रहेगा, उपयोग में नहीं रहेगा। उपयोग में तो प्रमत्त संयत मुनिराज को ही होता है। इस प्रकार से उनको ही होता है। किनको क्या होता है? आहारक शरीर होता है। कैसा होता है? शुभ विशुद्ध और अव्याघाती। नमोस्तु महाराज जी, प्रमत्त मुनिराज ही आहारक शरीर का उपयोग कर सकते हैं और अप्रमत्त मुनिराज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों मुनिराज भगवान? मुनिराज की दो दशा होती है, प्रमत्त और अप्रमत्त दशा। जब मुनिराज विकल्प स्थिति में होते हैं तो उनकी प्रमत्त दशा होती है और जब मुनिराज को कुछ क्षण के लिए विकल्प नहीं होता है अपने 28 मूल गुण संबंधी व्रतों संबंधी तो उस समय वो निर्विकल्प दशा होती है, वो अप्रमत्त दशा कहलाती। इस प्रकार से एक ही मुनिराज अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त में चले जाते हैं और अंतर मुहूर्त के बाद अप्रमत्त से प्रमत्त में आ जाते हैं, लेकिन दोनों के अंतर मुहूर्त में अंतर है। अप्रमत्त का जो अंतर मुहूर्त है वो कम वाला अंतर मुहूर्त है और प्रमत्त का जो अंतर मुहूर्त है वो ज़्यादा वाला अंतर मुहूर्त है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब मुनिराज अप्रमत्त में गए तो उस समय वह इस आहारक शरीर का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि अप्रमत्त दशा में लेखन क्रिया नहीं चलेगी। अप्रमत्त दशा में उनको शरीर संबंधी का किसी प्रकार का रोग का भान नहीं आएगा। तो इस प्रकार से प्रमत्त दशा में ही मुनिराज को किसी विषय को शंका प्रकट होगी, कुछ लेखन कर रहे हैं और उसमें सूक्ष्म बात आ गई, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय आहारक शरीर फिर वो उपयोग कार्य करेगा। यह जो शरीर है आहारक शरीर वो प्रमत्त अप्रमत्त दोनों मुनिराज को हो जाता है, मतलब प्रमत्त दशा में भी रहता है और अप्रमत्त दशा में भी रहता है आहारक शरीर, लेकिन अप्रमत्त दशा में मुनिराज के वो लब्धि रूप में रहता है और प्रमत्त दशा में वो उपयोग रूप में रहता है, ठीक है ना, परिणमन रूप में रहता है, वो कार्य रूप में रहता है, वो कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रमत्त अप्रमत्त की यह दशा है, क्योंकि यह जो आहारक शरीर है कब कब निकलता है? जब किसी मुनिराज को किसी विषय को लेकर के सूक्ष्म शंका हो रही है, सूक्ष्म विषय को लेकर के शंकाएं प्रकट हो रही हैं, तो शंकाओं का निवारण करने के लिए मुनिराज से शरीर से एक और शरीर निकलता है जिसको आहारक शरीर कहते हैं। उनकी आत्मा उस शरीर के साथ जाती है, केवली के श्रुत केवली के पादमूल में जाकर के उसका शंका समाधान करके आ जाती है। तो इस प्रकार से तब निकलता है। तो ये सोचिए जिस समय मुनिराज लिख रहे हैं या शंका हो रही है या जिज्ञासा प्रकट हुई है तो नियम से वो प्रमत्त दशा है, अप्रमत्त दशा नहीं हो सकती उन मुनिराज की उस समय। और संयम की रक्षा करने के लिए
यदि उनके शरीर में कोई अशांति का उदय आ गया, इसी प्रकार या ऐसा कोई वातावरण मिल गया जिससे संयम का ह्रास हो रहा हो, तो उस समय मुनिराज के वह आहारक शरीर निकलता है और उनका संयम की रक्षा होती है। जैसे औषध को टच करके आ जाए, स्पर्श करके आ जाए और उनका जो अशांति है वो दूर हो जाए, तो संयम की रक्षा हो जाती है। तो असंयम के परिहार के लिए भी के समय भी यह शरीर निकलता है, तो वो भी प्रमत्त दशा होगी, अप्रमत्त दशा मुनिराज के उस समय नहीं होगी। और भी कारण हैं जिन कारणों से आहारक शरीर का बाहर आदि निकलता है। जैसे मुनिराज को जिन दर्शन के भाव बन गए, जिन जिन चैत्यालय के, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने के भाव बने, जिन वंदना भाव बनी, तो समेस करके भाव बने दर्शन करने के, तो क्या होगा, उस समय भी आहारक शरीर जा निकलेगा, दर्शन करके आएगा और दर्शन करके पुनः शरीर में आ जाएगा। तो वो भी दशा कौन सी होगी, वो भी प्रमत्त दशा होगी, अप्रमत्त दशा उस समय मुनिराज की नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रमत्त संयत मुनिराज को ये आहारक शरीर होता है। उन मुनिराज की जब अप्रमत्त दशा होगी तो उस समय यह शरीर लब्धि रूप में रहेगा, पर उपयोग रूप में, परिणमन रूप में, कार्य रूप में नहीं रहेगा। गुरु जी नमोस्तु। लब्धि और उपयोग किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग, लब्धि शक्ति विशेष को कहते हैं और उस शक्ति के परिणमन को उपयोग कहते हैं। ध्यान रखना, जो शक्ति प्रकट हुई है उसे लब्धि कहते हैं और उस शक्ति का जो परिणमन है, पर्याय है, उसे उपयोग कहते हैं। जैसे कि आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो गया, उस ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई, वो आपके लिए लब्धि में आ गया, और जिस समय आप किसी ज्ञान को जान रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उपयोग में हो गया। जैसे आपको संस्कृत भी आती है, प्राकृत भी आती है, हिंदी, अंग्रेजी सब आती है, लेकिन जिस समय आप जो भाषा बोल रहे हैं तो उस भाषा का जो प्रणमन चल रहा है वो उपयोग हो गया, और बाकी उस समय अन्य भाषा आपकी लब्धि रूप में, शक्ति रूप में, आत्मा में विराजमान है, ज्ञान उतना उघाड़ है, वो लब्धि हो गई। ऐसे ही यहाँ पर वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से जो आत्मा में शक्ति प्रकट हुई है वो लब्धि हो गई, और उस लब्धि का परिणमन जो शरीर से अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है, जो आहारक शरीर के रूप में दिखाई दे रहा है कि आहारक शरीर जा रहा है, आ रहा है, ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति का अभिव्यक्ति आहारक शरीर के माध्यम से दिखाई देता है, ऐसे तेजस शरीर के माध्यम से भी दिखाई देता है, वैक्रिय शरीर के माध्यम दिखाई देता है। जो भी हमारी आत्मा की शक्ति है उस शक्ति का ही अभिव्यक्ति जो औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस शरीर आदि के माध्यम से दिखाई देती है, वो हमारा उस समय आत्मा का उपयोग लगता है, परिणमन होता है उपयोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह लब्धि और उपयोग है। जो यहाँ बात चल रही थी कि अप्रमत्त मुनिराज के वो आहारक शरीर की जो शक्ति है वो उपयोग रूप में, लब्धि रूप में रहती है, और जब प्रमत्त गुण स्थान में मुनिराज आते हैं तो उसका शक्ति का प्रकट होता है, प्रणमन होता है पर्याय रूप में, तो वो हमें सामने दिखाई देता है मुनिराज को कि उनकी शंका का निरसन हो रहा है, उनका रोग दूर हो रहा है, इस प्रकार से वह उपयोग रूप में दिखता है। फिर आहारक शरीर कैसा होता है, तो अपन ने देखा शुभ, विशुद्ध और अव्याघाती होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आहारक शरीर शुभ। शुभ कैसा होता है, अच्छे कार्य के लिए होता है। कैसा होता है, यह है अच्छे कार्य के लिए। जैसे अशुभ तेजस होता है वो बुरे कार्य के लिए भी होता है, लेकिन आहारक शरीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो शुभ कार्य के लिए होता है, इसलिए शुभम, इस शुभ बोला गया है कि आहारक शरीर कैसा है, शुभ है, अशुभ नहीं है। आचार्य को इसलिए यहाँ सूत्र में बताना पड़ा कि भैया जैसा तेजस है वैसा मत मान लेना कि जैसे तेजस अशुभ भी होता है तो आहारक भी अशुभ होता होगा। बोले नहीं, शुभम कैसा है, वो अच्छे कार्य के लिए ही आहारक शरीर होता है। फिर लिखा है विशुद्ध है। विशुद्ध मतलब क्या है, शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण और सम चतुर संस्थान वाला होता है। कैसा होता है वो, एक तो श्वेत वर्ण वाला होता है आहारक शरीर। आहारक मतलब ये भोजन पानी की बात मत लेना, आहार वर्गणाएं, ऐसे आहार वर्गणाओं से ऐसा शरीर निर्मित होता है जो श्वेत वर्ण का होता है, होता औदारिक शरीर का ही परिणमन है, परिणमत होता हुआ औदारिक शरीर का आहारक शरीर होता है। लेकिन कैसे रंग का होता है, जब वो निकलता है तो श्वेत रंग का होता है और सम चतुर संस्थान वाला होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से शुभ कर्म के कारण से ऐसा विशुद्ध वाला होता है। तीसरा क्या लिखा था अपन ने, अव्याघाती मतलब व्याघात रहित।
यह जो अहारक शरीर है ढाई दीप में न किसी से रुकता है और न किसी को रोकता है। कहाँ पर? ये ढाई दीप में न किसी से रुकता है और न किसी को रोकता है। इस प्रकार से ये अव्याघाती मतलब व्याघात रहित वाला शरीर होता है। नमोस्तु गुरुदेव। आहारक शरीर ढाई दीप से बाहर क्यों नहीं जाता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। आहारक शरीर ढाई दीप से बाहर इसलिए नहीं जाता है कि किसी मुनिराज को यदि शास्त्र संबंधी या किसी विषय को संबंधी शंका पैदा हुई तो तीर्थंकरों का जो सद्भाव है वो ढाई दीप के अंदर ही है, ढाई दीप के बाहर नहीं है। कोई भी केवली, शुद्ध केवली या तीर्थंकर वो ढाई दीप के बाहर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो आहारक शरीर कहाँ तक जाएगा? ढाई दीप में जहाँ भी ये शुद्ध केवली तीर्थंकर आदि होंगे वहीं तक जाएगा, तो इसलिए ढाई दीप के बाहर आहारक शरीर नहीं जाता है। वो ढाई दीप के अंदर ही जिन वंदना करना हो, जिन दर्शन करना हो या रोग का परिहार आदि होने के लिए औषध आदि के लिए स्पर्श करना हो, वह है ढाई दीप के अंदर ही आहारक शरीर जो है उसकी इतनी ही उपादान शक्ति है, ऐसा ही निमित्त है जिससे वह बाहर नहीं जाता है। इस प्रकार से अपना आहारक शरीर के बारे में ढाई दीप के अंदर ही होता है ये जाना। आहारक शरीर का स्वरूप देखिए यहाँ पर स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये उत्तमांग जो उत्तम शरीर का उत्तम अंग जो सिर है, मस्तक है, यहाँ से आहारक शरीर बाहर निकलता है, ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान इसका ये है। कितना बड़ा होता है? तो ये एक हाथ प्रमाण का होता है, आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, एक हाथ प्रमाण का होता है। रंग कैसा होता है? श्वेत वर्ण का होता है। संस्थान कैसा होता है? सम चतुर संस्थान, ऐसा नहीं कि उसका सिर बड़ा हो पैर छोटे हो, तो इस प्रकार सम जैसे हमारे भगवान की प्रतिमा जो होती है वो सम चतुर संस्थान होती है, वैसा ही उसका आकार होता है। अवयव शुभ नाम कर्म के उदय से यह शुभ होता है। संगनन इसमें कोई रस धातु आदि हड्डी चर्म आदि ऐसा नहीं होता, ये धातु उपधातुओं से रहित होता है। और व्याघात रहित मतलब किसी को न रोकता है न किसी से रुकता है ढाई दीप के अंदर। इस प्रकार से आहारक शरीर की ये विशेषताएं हैं और इसका स्वरूप है। ये कितने काल के लिए होता है? ये अंतर मुहूर्त काल, जगन्न भी अंतर मुहूर्त काल है और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त काल है, लेकिन जगन्न वाले अंतर मुहूर्त से कुछ अधिक विशेष। अंतर मुहूर्त दोनों में ही है, जगन्न भी और उत्कृष्ट भी, लेकिन जो उत्कृष्ट का जो अंतर मुहूर्त है वो जगन अंतर मुहूर्त से थोड़ा विशेष कुछ अधिक होता है, लेकिन दोनों ही अंतर मुहूर्त हैं। इस प्रकार से आहार शरीर का ये काल है, ये समय है, ये पीरियड है। इस प्रकार से अपन ने देखा आहार शरीर प्रमद सहित मुनिराज को होता है, शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, इसका काल अंतर मुहूर्त होता है और इसका रंग रूप अवयव हम सब ने जाना। इस प्रकार यह यहाँ पर आहारक शरीर की बारे में जो जानकारी मिली उसको अपन ने देखा, सुना, समझा। इसे आप मंथन और मनन करें। आज का अध्ययन यहीं पर संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जन्मानी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वाश्रुत का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों और स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।